ओ तू तो फेमिनिस्ट टाइप की है। व्हाट इज ओ तू तो फेमिनिस्ट टाइप की है मीन। सासु अम्मा मान जाओ। ओके आई ओनली वांट टू टेल यू, परी हूँ मैं, मुझे ना छूना, परी हूँ मैं। ठीक है मैडम, आई एम सॉरी इफ आई कांट कॉल यू एंड योर हस्बैंड मम्मा एंड पापा बिकॉज माय मां एंड बाबा आर माइन। यू विल नेवर बी माय मदर, यू नो माय मदर विल बी माय मदर। परी हूँ मैं, परी परी। अरे मत परी, अचानक बता रहे हो करे। हाय, हमारा नाम रवि शास्त्री है। शादी ब्याह की उम्र हो चुकी है। अपने बारे में बात करें तो हमारा बदन हमेशा लचीला रहता है, गला थोड़ा गीला रहता है और बॉडी का नीचे वाला पॉपर्टी उम्र में सिर्फ ढीला रहता है। परंतु किसी फेमिनिस्ट सुंदरी द्वारा ऐसे सुंदर मुख को रिजेक्ट करने का कारण नहीं बनता, तो देखते हैं इनके विचार क्या है। ऑल मेन आर डॉग, सीरियसली ऑल मेन आर डॉग। हां व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन मेन, होम टू आस्क दिस क्वेश्चन बेटर देन इंडियन वुमेन। Let's find out. First of all, I think Indian men, they have smaller dicks. Okay. नहीं, इन्हें लगता क्या है कि पूरे भारतवर्ष की बस एक ही विशेषता है, विकलांग। मैं ऐसी सोच की कड़ी निंदा करता हूं। I don't think I'm ever gonna give you a grandson. I might just dump my child on you and I'm sorry about that. I will have a daughter and I know this. And if I do have a son, I'll just parcel him to you so you can keep him. ये काहे का लॉजिक है? This is beyond science. लड़की को पैदा करके छोड़ देना गलत है, परंतु अगर तुम एक फेमिनिस्ट महिला हो तो तुम बच्चा पैदा करके फेंक सकती हो, और अगर वो एक लड़का है तो तुम उसे अपनी सासू माँ के पास भी पार्सल कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें लड़का नहीं चाहिए था, लड़की चाहिए थी। वैसे भी तुमने इसके एडवांस में क्षमा तो मांग ली, जीवन में और क्या चाहिए। चीट क्यों होती है? नहीं चीट क्यों होती नहीं, चीट क्यों करती हैं? वुमेन्स को ऐसे कैसे चीट कर सकती है, चीट तो बॉयज करते हैं ना। बिल्कुल सही कहा, घूम फिर के हमें उसी बात का एहसास कराया जा रहा है। ऑल मेन आर डॉग, आदमी आदमी नहीं, क्या होता है क्या? नमस्ते, आई एम अ मॉडर्न डे वुमन लुकिंग फॉर अ मॉडर्न डे मैन, सो आई विल नॉट गिव माई नेम बिकॉज व्हाट इज इन द नेम। वेल आई वॉन्ट डिफरेंट क्वालिटीज इन अ मैन। First, he should have no expectations from me. If he ever opens the door for me, I will leave him. I mean, he should not think that I cannot open my own doors. इससे पहले कि तुम इस कुंवारी कन्या से ब्याह रचाने की सोचो, तुम्हें इसके लिए गेट खोलना सीख लेना चाहिए, कुछ इस तरह। Oh, you're opening the door for me? No. You say how we're gonna cry? I'm a super feminist, so what irks me the most is all the sex that goes around, and then boys are just like, oh, I was just joking. It's not a joke. Important in the times that we live in today that everyone is a feminist, and there are some men I come across who don't understand that, and it's very annoying. And people use feminism as a callous term to just, you know, make fun of each other and, you know, crack jokes and make memes about it. It's really degrading. I mean, we are moving towards equality and here you are just pushing down the one subject that truly addresses the issue of injustice. Oh, tu to feminist type ki hai. What does oh, tu to feminist type ki hai mean? Everybody should be a feminist. It's about equality. It's not about me getting privileges because I'm a lady or I'm a woman. Nahi, equality ka feminism se koi lena dena nahi hai, balki inki sabse badi samasya ye hai ki inhe lagta hai. Everybody should be a feminist. वुमन एम्पावरमेंट अर्थात महिला सशक्तिकरण की जगह फेमिनिज्म नाम की इस वेस्टर्न बीमारी को भारत पे थोपना चाहती है। पढ़े लिखे यूरोपियन देशों की महिलाएं भी खुद को फेमिनिस्ट कहने से साफ मना करती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि फेमिनिज्म और वुमन एम्पावरमेंट दो अलग चीजें हैं। इनका फेमिनिज्म वाला धंधा वेस्ट में नहीं चला तो ये उसे भारत ले, और मैं चाहता हूं कि तुम बजफीड इंडिया वालों के फेमिनिज्म के बारे में विचार सुनो। जाति वाली ब्राह्मणवादी सोच रखने वाला व्यक्ति है। इन वामपंथी फेमिनिस्टों की यही कुछ कहानी है। अंग्रेजों में एक काले को गोरे से अलग करते हैं, भारत में आने के बाद ये लोग हिंदुओं को जातियों में अलग करते हैं। फेमिनिज्म पे मैं एक डिटेल वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, अगर तुमने वो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज वो बेल आइकन जरूर दबाओ। इसके अलावा मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी फॉलो करो। धन्यवाद।